अभी थोड़ी देर बाद बकरे बिल्डिंग में आ गए अपने पास। हाँ ये देखो सब बकरे आ गए माशा। अभी और बकरे आना बाकी है ना। बड़ी है 120। चल सामान ले लिए अभी चलते चल 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 भाई। थैंक यू। चलिए 2 से 3 मिनट हो गया है, मैंने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर ली हूँ। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल लेते एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। आइए देखिए कितना कुरकुरा बना है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, एकदम क्रिस्पी बना है, देख सकते हैं आप लोग कितना क्रिस्पी बना है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आप सब भी अस्सलाम वालेकुम, सब भी बहुत अच्छे। मॉर्निंग हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए अभी बना रही हूँ मैं रोटियाँ, यहाँ पर रोटियाँ बन रही है क्योंकि अभी हम लोग भी खाएंगे और हमारे बकरे को भी खिलाएंगे, है ना। इसलिए मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करके बकरे को भी खिलाते हो आप लोगों को दिखाते हो, ठीक है। मिलती हूँ बाद में जल्दी से रोटी बनाने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया हमारा। नाश्ता होने के बाद अभी मैं जा रही हूँ रोटियाँ लेकर हमारे बकरे को खिलाने के लिए। क्या बात है माशाल्लाह, एकदम गरम गरम रोटियाँ अपने हाथों से अपने बकरे को खिलाएगी। रात को भी रोटी खिलाए थे, अभी सुबह नाश्ते में भी रोटी खिला रहे हैं ना। और सैफन भी बहुत शौक से खिला रहा है उसको, है ना। चलो 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 अपने साथ, मैं भी जा रहा हूँ। सैफन नीचे ऑलरेडी पहले से, और सुबह से बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा भी है। चलो चलते हैं बकरे के पास। चलो ये देखो ये मंडा अंदर सब बकरे है माशाल्लाह। ये देखो सैफान, हाँ खिला 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 शाबाश। ये देखो कितने शौक से खिलाता है, खिला खिला। सुबह 8 बजे उठा है, जब भी रोटी लेकर आया और खिलाया है। थोड़ा अभी रोटी मत खिला रहा, अभी थोड़ी देर बाद बकरे में। हाँ हाँ अभी बकरे बिल्डिंग में आ गए अपने पास। हाँ ये देखो सब बकरे आ गए माशाल्लाह। अभी और बकरे आना बाकी है ना। हाँ अभी बहुत बकरे सब सफाई कर लो रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ साफ सफाई भी जरूरी है क्योंकि तो गंदगी में बैठता नहीं है, सुबह पैर से हटा रहा बकरा, सफाई बहुत जरूरी है। अच्छा देखो सैफान ने भूसा ला के खिलाया है। सैफान रात 10 से 12 बजे तक बैठा था, 1 बजे तक बैठा, अभी सुबह में फिर आ गया है। 8 बजे हाँ फिर लगे लगे सेवा बहुत कर रहा है बकरे ये। बकरों क्या बच्चों को बहुत लगाव भी रहता है ना यार, दिन भर तो यहीं पे था। अभी स्कूल जाने का उसको, स्कूल जाके या फिर उधर ही बैठ जाएगा। हाँ चल जल्दी अभी जाके तैयार हो स्कूल के लिए, जब तक बकरा हम लोग संभाल लेंगे, टेंशन मत ले। भाई लोग है ना। हाँ भाई लोग संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। बकरों को चारा वगैरह खिला दिए है ना, अभी सैफान की स्कूल की तैयारी है ना। अभी शैफान को स्कूल स्कूल भेजते और फिर जो भी अपना सामान वामान लेना है मार्केट वगैरह जो भी दिखाते। चलो फिर चलते। तो माशाल्लाह अभी सब काम हो गया मेरा, अभी मैं जा रही हूँ गवंडी मार्केट क्योंकि वहाँ काम भी हम लोग को कुछ, और फिर क्या बाजार पानी भी लेते और आते हैं, अभी आप लोगों को सब दिखाते। बहुत पीछे गवंडी मार्केट गए नहीं, आज जाते जरा वहाँ भी टूटा शॉपिंग करना करिए, आपको दिखा देना। और जुम्मा भी है, जल्दी जाकर आना भी हम लोग को, टाइम बहुत कम है, फटाफट पता नहीं। चलो फिर निकलते हैं। पहुंच गए हम लोग गवंडी, चलते अभी मार्केट में।
चलो माशाल्लाह पे पहुंच गए हम लोग। कहाँ पहुंचे? गोंडी पहुंच गए, बैगनवाड़ी मच्छी मार्केट, शिवाजी नगर मच्छी मार्केट। जो काम था वो भी हो गया, अभी मच्छी लेके फिर निकल। अभी आए हैं गोंडी तो मच्छी लेके जाते ना। चलो फिर बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद। ऐसा प्लान तो नहीं था मच्छी लेने का आपने ना? जब आ गए तो वही सर शिवाजी नगर पहुंचे, जब आए हैं इधर तो मच्छी ले लेते, मच्छी भी ले लेते हैं। नहीं फिर भाई 120 रुपया बड़ा बड़ा रोहू 120। क्या नाम है? रोहू निकल ना भैया। भाई एकदम बड़ी है 120। 200 रुपया वादा, चार चार लगाए, चार का बोल 200 का बोल रहा है यार। मच्छी तो बहुत महंगी है अभी आज का मच्छी यार, मार्केट पर टाइट है। हेलो चलो और आगे देखते हैं। 200 रुपया मांग रहा। कितने पीस है? 5 पीस मांग रहे। हलवा हलवा 3.5 पापलेट क्या बोला? 150 का दो है, 150 में दो पापलेट। समुद्र मच्छी मस्त रेट है अभी मच्छी का आज तो, बरसात के ऐसे रेट ज्यादा। 260 रुपए किलो, 300 है 260 से आ जाएगा। झींगा सही है, 260 में देगा। अरे 260 ही लगा दिया ना। साइज बड़ा झींगे का साइज बड़ा नहीं। खजूर ना? हाँ खजूर है। कैसे बोलो? अच्छा ये 40 का पाव। अच्छा मार्केट। ये कितना हो? मार्केट लीची ले ली, ले ली लीची ले ली। सैफान बहुत शौक से खाता है। 40 का पाव किलो, 30 रुपये, 40 रुपये केला। मस्त भीड़ है मार्केट में। क्या बोल रहे हैं? कैसे? 50 का आधा, 50 का आधा। और कम करो एक नंबर। अच्छा है ले ली। कैसा खोपरा अभी? 5 रुपये। ले लो 10 रुपये, 5 रुपये सही है भाई। अखा नहीं लेने का, 5-10 में काम चला लेने का। हाँ, मिलेगा ये पूरा एक साइज 350 वाला 300 रुपये 300 रुपये 350 वाला 300 लगा लगेगा तो मैं देगा ना भाई। मैं सही है 350 लगा दिया। बेहतर है साइज भी अच्छा। ये 260 वाला नंबर माल है भैया, ये 240। अच्छा हाँ ये 240 वाला है, ये 300 बेहतर देगा भाई। 1 किलो दे भाई। मच्छी तो बहुत महंगी, खाली हमने झींगा लिए 350 झींगा 300 रुपये के जी से मिला। डबल भाव 100 वाले का 200 रुपया। बहुत मजबूत महंगी हो गई मच्छी। 200 के नीचे कोई मच्छी, 200 में 4 मच्छी 3 मच्छी दे रहे हैं। तो ले लिए सामान ना मच्छी वगैरह। गरम मसाले लेना है मुझे। चलो यहाँ पे आके सली मिठा लिया मसाला लेने के लिए, फटाफट मसाले लेके चलेंगे। मसाला सब गरम मसाला ही चाहिए। अभी बकरा ईद के लिए गरम मसाला तो जरूरी है। पक्का पक्का गरम मसाले की दुकान है। पाव किलो जीरा, सब ऊंची हो गई है। अपने अपना माल निकालना चालू कर दिया। निकालो पहले जल्दी जल्दी। एक किलो कितने की? ये सब अपना निकाल रहा मसाला, फटाफट निकाल रहा गरम मसाले हमारे। आधा किलो सब पैकिंग हो गया मसाला रफ पर रफ। तो स्पीड काम करता है आपने। हाँ भैया चल सामान ले लिए, अभी चल सारे गरम मसाले ले लिए। चल चल चलो भाई, थैंक यू थैंक यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जाके आ गए हम लोग, गए थे गवंडी हम लोग काम से गए थे, हमारा काम भी हो गया और जो बाजार पानी लेने का था वो भी ले ली। मच्छी मार्केट भी गई थी, मच्छी देखें तो मच्छी बहुत महंगी है, डबल भाव बता रहे सब। अरे 200 में 4 मच्छी दे रहे यार, 200 में
चार पांच बांगड़ा लगाए हैं, है ना। मैं नहीं देखा, बहुत महंगा दे रहे। तो फिर मैंने झींगा ले लियो, झींगा बहुत अच्छा, देखो इतना फ्रेश और ताजा झींगा, इतना बड़ा बड़ा झींगा है, 300 रुपए किलो मिला है। मस्त मिला माशाल्लाह, झींगा बहुत अच्छा था। तो ये मैंने ले लियो, बाकी सब बाजार पानी। अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी आ गए हम लोग लेके, जो लेना था बाजार पानी है। देखो बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह ली हूँ, सैफान भी चला गया स्कूल और अभी जुम्मा भी है, तो हम लोग आए अभी जल्दी जल्दी सब काम कर लेते हैं, ठीक है। और ये गरम मसाले लेकर आई हूँ, ये देखो सारे जो मुझे पीसना है अभी, इसके लिए गरम मसाले, वो सारे गरम मसाले आ गए। और अभी क्या है, अभी आ गई हूँ, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो के नमाज पढ़ के मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ गरम मसाले की रेसिपी, है ना। हाँ, कि गरम मसाला किस तरह से मैं अपने घर में पीसती हूँ। बहुत से कमेंट भी आए थे कि आप बताओ, तो आज मैं गरम मसाला पीसूंगी, वो आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ। एक नंबर, एक नंबर। चलो अभी जल्दी जल्दी नहा धो के फ्रेश होके नमाज पढ़ के मिलती बाद में किचन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज हो गई और खाना भी हो गया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि मैंने बताई आप लोगों को, मैं बनाना बताऊंगी मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर। हाँ, तो देखिए होममेड गरम मसाले के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए देखिए। तो ये देखिए मैंने गरम मसालों में क्या क्या ली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हूँ 50 ग्राम काली मिर्च और उसी का आधा हम लेंगे 25 ग्राम लौंग। यहाँ पे है 25 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम छोटी इलायची, 15 से 16 बड़ी इलायची, ये चक्री फूल है, ये मैंने 8 से 10 ले ली हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने ली हूँ शाहजीरा और ये है जावित्री। जावित्री बस इतनी सी ले लेंगे, बस थोड़ी सी जावित्री ली हूँ मैंने। और यहाँ पर ली हूँ एक जायफल और 7 से 8 तेज़पत्ता। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इन सब गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा गरम करके पीसेंगे ना तो अच्छा, ज़्यादा दिन तक चलता भी है और अच्छा जल्दी से पीसा भी जाता है। तो इन सब को मैं अभी रोस्ट करती हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से एक ही टाइम मसाले बना के रख लेंगे ना तो महीना, दो महीना, तीन महीना जैसा आपको चलता है वैसे चलेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे तो ये पीस के रखती हूँ तो बराबर 2 महीना चलते हैं, इतने जिस तरह से मैंने मेज़रमेंट बताई ना उसी तरह से आप लोग भी बना के अपने घर में स्टोर करके रख लेना। चलिए अभी इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते। गैस पे मैंने एक पैन रख दी हूँ गरम होने के लिए, इसमें डालेंगे हम ये सारे गरम मसाले, काली मिर्च, ये लौंग, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये है दालचीनी। देखिए ये है हमारा स्टार फूल, ये जावित्री और साथ में शाहजीरा और ये तेज पत्ते हैं ना, ये तेज पत्तों को हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे, बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो इसको इस तरह से हम तोड़ के डाल देंगे। ये भी साथ में पीस लेंगे, अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी आती है। ये मैं तोड़ के डाल देती हूँ, सारे मसाले मैंने पैन में डाल दी हूँ। और ये जो जायफल है ना, जायफल को हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे, इस तरह से अक्खा नहीं डालेंगे। ये देखो ये मैंने तोड़ लिया, इसको भी हम डाल देते हैं गरम मसाले में। अब सब मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे, जलाना नहीं है हमें, बस हल्का सा गरम हो जाए ना वहाँ तक इसको भून लेंगे। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट कर रही हूँ, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, ज़्यादा हाई करेंगे तो क्या है ना कि जल जाएंगे, और क्या गरम मसाला जल्दी से जल जाता है, इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको भून लेंगे। इसमें बहुत से लोग अक्खा, धनिया और ज़ीरा भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ धनिया ज़ीरा, मैं अलग से पीसती हूँ। मैं कभी भी गरम मसाले में धनिया ज़ीरा पीस के नहीं डालती हूँ, मेरा गरम मसाला इसी तरह का रहता है। चलिए 2 से 3 मिनट हो गया है, मैंने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर ली हूँ। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करके
इसको निकाल लेते एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। इसमें अभी ये सब मसाले को हम ठंडा होने देते क्योंकि अभी बहुत गरम गरम है तो नहीं पीसा जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसको, फिर मैं पीस के बताती हूँ आप लोगों को। तो सारे मसाले हमारे यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए अभी इसको हम पीस लेते मिक्सर के जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। मैं सारे एक ही साथ डाल के पीस लेती हूँ। चलो अब ये पीस के मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मसालों को मैंने पीस ली हूँ, मसाले बारीक हो चुके हैं। अभी पहला ना इसको मैं छान लूँगी। ये देखिए इस तरह से छन्नी लेके बिस्मिल्लाह मैं ना सारे मसाले को छान लूँगी क्योंकि इसमें जो छिलके वगैरह रहेंगे ना इलायची के वो पूरे निकल जाएंगे इस तरह से छानने से। ये सब बारीक से जो है वो नीचे आ जाएगा और छिलके इसके ऊपर आ जाएंगे। चलिए पूरा छान के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैंने ये पूरा गरम मसाला छान ली हूँ, इसमें जो छिलके वगैरह है ना इलायची के वो सब ऊपर आ गए। इसको और एक बार हम डाल के पीस लेते, जो एकदम बारीक था वो पूरा नीचे आ गया मसाला, और थोड़ा जाड़ा वाला इसको मैं और एक बार पीस लेती हूँ। इसको भी पीस के बारीक कर लेती हूँ। ये देखो ये दूसरी बार भी मैंने ये मसाले पीस ली हूँ, इसको भी हम छलनी में डाल के छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने गरम मसाले को अच्छी तरह से छान ली हूँ, सारा मसाला इसमें आ गया है और बाकी के जो ये छिलके वगैरह है ये सब अलग हो गए है ना। तो ये हमारा गरम मसाला जो है माशाल्लाह ये रेडी हो गया, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। ये गरम मसाले को आप चिकन में, मटन में, बिरयानी में, मैं हर रेसिपी में यही गरम मसाला यूज़ करती हूँ, तभी मेरी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और अच्छी बनती है। तो ये हमारा होममेड गरम मसाला बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग मैंने क्या क्या मसाले डाल के ये मसाला पीस के रेडी कर ली हूँ। मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दी कि किस तरह से गरम मसाला मैं बनाती हूँ घर में। ये गरम मसाला आप लोग चिकन, मटन, बिरयानी सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे से रहता है, अच्छा चलता है। एक बार बनाइए और महीनों तक खाइए, है ना। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये होममेड गरम मसाले की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस बकरीद पे आप लोग भी अपने घरों में इसे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। चलो अभी मेरी गरम मसाले की रेसिपी तो हो गई है रेडी, अभी मुझे और भी काम है बकरीद के लिए, रिश्ता वगैरह बनाना है, वो सब भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह नमाज वगैरह हो गई है मेरी, नमाज पढ़ ली मगरिब की, अभी मैं बैठ गई हूँ रिश्ता बनाने के लिए, प्याज साफ कर रही हूँ। ये देखो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई कि अभी मैं रिश्ता बना के रख रही हूँ बकरीद के लिए, तो कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं रिश्ता किस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1 किलो प्याज ले ली हूँ, और प्याज को अच्छी तरह से छील लेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे। देखिए छिलके में उतार के इसको रख लेती हूँ, फिर आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज को अच्छी तरह से छिलके उतार ली और इसको धो दी, अच्छी तरह से धो भी ली हूँ छिलके उतारने के बाद। अब क्या करेंगे, अब मैं स्लाइजर ले ली हूँ, स्लाइजर पे मैं इसको रख के ये प्याज को ले देती हूँ इस तरह से। स्लाइजर पे इस तरह से घिसेंगे ना तो एक बराबर जैसी प्याज हो जाती है, एक बराबर हो जाती है ना पतली पतली प्याज, तो रिश्ता बहुत अच्छा बनता है इस तरह से। तो स्लाइजर पे ही घसना, बहुत अच्छे से प्याज निकलती है, देखो स्लाइस। तो ये इसी तरह से मैं ये पूरी प्याज घस लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को रिश्ता बना के। तो ये देखिए यहाँ पर सारी प्याज को मैंने स्लाइस कर ली हूँ स्लाइजर से, एक जैसी बराबर कटी है हमारी प्याज। अब इसको क्या करेंगे, हाथ से ना थोड़ा इस तरह से कर लेंगे ना तो ये प्याज अलग अलग हो जाएगी, तो फ्राई करने में आसानी भी होती है और अच्छी कुरकुरी फ्राई हो जाती है। तो इस तरह से ना सारी प्याज को इस तरह से अलग अलग कर लेती हूँ।
ऐसे हाथों से इस तरह से करेंगे तो अलग हो जाती है खुली खुली। चलिए अब इसको हम फ्राई करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए और तेल हमारा अच्छा खासा गरम हो चुका है। तेल अच्छा गरम होगा तभी प्याज डालना इसमें बिरिस्ता बनाने के लिए। तेल अच्छा गरम होने के बाद तो हमारा तेल अच्छा गरम हो गया है। ये फ्लेम को मैं स्लो करके अब मैं प्याज डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं किस तरह से चर 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 आवाज़ आने लग गई ना, बस इसी तरह से गरम होना चाहिए। अभी मैं इसमें आधा ही प्याज डाल के बिरिस्ता बनाऊंगी, आधा बाद में बनाऊंगी। दो टाइम हम बनाएंगे तो अच्छा बिरिस्ता बनता है हमारा। एक ही साथ पूरा डाल देंगे तो बिरिस्ता अच्छा नहीं बनता है, खुला खुला चिपक जाता है आपस में। तो दो टाइम करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बिरिस्ता बनाएंगे तो अच्छा खुला खुला भी बन जाता है। तो चलिए अभी मैंने बिरिस्ता के लिए प्याज डाल दी तेल में। अभी अच्छा फ्राई हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, वहाँ तक हम फ्राई करके इसका बिरिस्ता बना लेते। ये देखिए अभी हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होते आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बस अभी दो मिनट के अंदर हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरह से लाल हो जाएगी, फिर हम निकाल लेते। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी लाल हो चुकी है, बस अभी इसको हम निकाल लेते। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ये पकने के बाद भी इसका ना प्रोसेस चालू ही रहता है पकने का, निकालने के बाद भी। ये देखिए इस तरह से छन्नी में पूरा तेल जो एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। इससे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे वरना जल जाएगी प्याज। अब मैं निकाल के प्लेट में रख दूंगी ना तब भी और लाल हो जाएगी। इस तरह से निकाल के हम इसको इस तरह खुली कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग। इतना अच्छा हमारा बिरिस्ता जो है वो रेडी हो गया है। बस अभी इस तरह से एक मिनट रख दूंगी ना तो अच्छी कुरकुरी हो जाएगी प्याज हमारी। बस इसी तरह से हमें बिरिस्ता बनाना है। जो ये बाकी का प्याज है वो भी हम निकाल लेंगे और जो दूसरा है पैच वो भी डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए हाथों से ना इस तरह से इसको खुला खुला करेंगे, नहीं तो क्या आपस में चिपक जाती है ना। थोड़ी हल्की गर्म ही है तो मैं इसको गरम गरम में ही इस तरह से खुला खुला कर रही हूँ। देखिए इस तरह हमारा बिरिस्ता जो है वो बन के रेडी हो गया है। ये बिरिस्ते को हम बना के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और बकरीद में तो बहुत काम आने वाली चीज़ है क्योंकि बकरीद में कोरमा बनता है, बिरयानी बनती है, तो इस तरह से बिरिस्ता रेडी रहेगा तो बनाने में भी खाना बनाने आसानी रहती है। तो मैं हमेशा इसी तरह से बिरिस्ता बना के स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। जब कोरमा बिरयानी बनाना है तो मैं डायरेक्ट निकाल के बना लेती हूँ जल्दी से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेडी। अब ये दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा बिरिस्ता बनके रेडी हो चुका है। आइए देखिए कितना कुरकुरा बना है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, एकदम क्रिस्पी बना है, देख सकते हैं आप लोग कितना क्रिस्पी बना है ना। और बता दूँ आप लोगों को, ये हमारा बिरिस्ता हो गया रेडी। अभी मैं क्या करूँगी, ये बिरिस्ते को मैं जिप लॉक बैग में भर के स्टोर करके रख दूंगी। महीनों तक ख़राब नहीं होने वाला है और आराम से जब रेसिपी बनाएंगे, खाना बनाएंगे उसमें इस्तेमाल कीजिए। बकरीद में इस तरह से पहले ही बना के रख देना बिरिस्ता, ताकि फिर ईद में गड़बड़ी ना हो खाना बनाने की, जल्दी से खाना बन जाए। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये बिरिस्ते की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घर में ये बिरिस्ता ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गया, मेरा काम हो गया, खाना भी बन गया। अब आके बैठी हूँ मैं फुर्सत से, सुबह से उठी हूँ जब से बहुत काम था मुझे। और जैसा कि आप लोगों को देखे गोंडी मार्केट गई, गोंडी मार्केट से आने लेट हो गया, फिर जुम्मा था आज, जुम्मा के नमाज पढ़ के खाना ना खा के फिर मैं आप लोगों को बताई रेसिपी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी होममेड गरम मसाले की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बकरीद में आप लोग भी अपने घर में मसाला ज़रूर बना के खाना।
ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को बताई बिरिस्ते की रेसिपी, बिरिस्ता भी बहुत अच्छे से बनता है, बहुत खुला खुला बनता है। आप लोग बना के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, गरम मसाला भी और ये बिरिस्ता भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और जब आप लोगों को पकाना है खाना तो झटपट से खाना भी बन जाएगा, अगर मसाला तैयार रहेगा और बिरिस्ता तैयार रहेगा खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो फिर चलो, कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी कमेंट ज़रूर करना। और ये वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आफरीन दस्तर खान। चलो फिर अल्लाह हाफिज़।